देश के इतिहास में बहुत अहम है 11 मई, जाने कैसे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। इतिहास, ये दिन देश के इतिहास में एक और एक से बढ़कर एक घटसाल का 31वां दिन, और इतिहास में इस दिन के नाम पर बहुत सी घटनाएं हैं। वर्ष 2000 में 11 मई के ही दिन भारत की आबादी ने 1 अरब का आंकड़ा छू लिया, जब नई दिल्ली में जन्मी एक बच्ची को देश का 1 अरबवां नागरिक करार दिया गया। ये दिन देश के इतिहास में एक और खास घटना के साथ दर्ज है। 11 मई 1998 को भारत सरकार ने पोखरण में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण करने का ऐलान किया। देश दुनिया के इतिहास 11 मई की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवर ब्यूरो कुछ इस प्रकार है। आपको समझाते हैं, आपको बता दें, 1752 अमेरिका के फिलाडेल्फिया में अग्नि बीमा पॉलिसी की शुरुआत की। 19 इसके साथ ही 1784 में अंग्रेजों और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच संधि। दूसरी ओर 1833 अमेरिका से क्यूबेक जा रहे जहाज लेडी ऑफ द लैक के हिमखंड से टकराकर अटलांटिक महासागर में डूबने से लगभग 215 लोगों की मौत हुई। 1940 ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने अपनी हिंदी सेवा की शुरुआत भी 11 मई को की थी। 1951 राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने नव निर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। 1962 सर्वपल्ली राधा कृष्ण को भारत का राष्ट्रपति चुना गया, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्थान लिया। 1965 बांग्लादेश में चक्रवाती तूफान में 17,000 लोगों की मौत हुई। 1988 फ्रांस ने परमाणु परीक्षण किया। 1995 अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 170 से अधिक देशों ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए। 1998 भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण करने का ऐलान किया। 1998 में ही यूरोप के एकल मुद्रा यूरो का पहला सिक्का बना। 2000, अब आ जाते हैं 2000 में। 2000 में जनसंख्या की घड़ी के मुताबिक भारत की जनसंख्या 1 अरब पहुंची। 2000 सन 2000 में जनसंख्या घड़ी के मुताबिक भारत की जनसंख्या 1 अरब पहुंच गई। कुछ इन घटनाओं को देखते हुए 11 मई काफी अहम है। आज 11 मई है और देखना यह है कि आज के दिन भी भारत के लिए कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं निकल कर सामने आती हैं, क्योंकि अब तक 11 मई देश के लिए अलग अलग घटनाएं लेकर आया है। इससे जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।